हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीएनएल और आईआरएफसी के बारे में। आप सभी को पता है आज यहां पे आरबीएनएल का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स है वो आने वाला है और एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई लगाई हुई हैं एनालिस्ट ने, जो कि मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट के थ्रू शेयर करूँगा कि आखिर जो एनालिस्ट हैं, जो टेक्निकल रिसर्चर हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड नंबर्स जो हैं वो आरबीएनएल के यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और इन्हीं नंबर्स की वजह से आज 5% का अपर सर्किट लगा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। यानी कि अगर आप देखोगे धमाकेदार तेजी जो है वो आज के दिन देखने को मिली है। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो डैट मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले। अगली वीडियो शायद इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट की होगी, शायद तब तक ये वीडियो आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें आज की जो क्लोजिंग हुई मार्केट की वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे हुई। ये अच्छी बात है कि वीकली ओपनिंग यहाँ पे करीबन 0.55% सेंसेक्स, 0.54% निफ्टी 50, 0.67% निफ्टी बैंक, 0.38% मिड कैप। यानी कि एक अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बना रहा सारे ही पर्टिकुलर इंडाइसिस में। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स भी थे जिनसे उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वो आज के दिन के टॉप गेनर बने, जैसे कि ICICI लोम्बार्ड 8.5% के आसपास का मूवमेंट, BHEL 5% का मूवमेंट, महिंद्रा इन महिंद्रा 3.5-4% का मूवमेंट, ICICI प्रूडेंशियल 3.5% का मूवमेंट। यानी कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत जल्दी आपको बड़े मूवमेंट नहीं दिखाते, लेकिन आज के दिन यहाँ पे बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें बालकृष्णा इंडिया, अदानी टोटल गैस, बॉश, ONGC आज के दिन 3% से लेकर 7.5% तक की जो गिरावट है वो दिखाते हुए नजर आए हैं। यानी कि आज के दिन के टॉप लूजर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल में आप देखो वो लास्ट में आके यानी कि 3 बजे के आसपास 5% का सर्किट ही लग गया, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट से अगर आज यहाँ पे मोमेंटम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, लेकिन चांसेस ये नहीं लग रहे थे कि सर्किट ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज यहाँ पे क्वार्टर फोर के नंबर्स आने वाले हैं और उसी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो मोमेंटम बना है। ओपन हुआ था 116 के आसपास, 121 के आसपास का हाई है और वही आज के दिन का यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजिंग भी है। ठीक है, तो यहाँ पे करीबन 5% के आसपास का सर्किट लगा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन बन रहा था, लेकिन आज के मोमेंटम के बाद ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं, जो रिटर्न्स हैं आपको पिछले एक महीने के, वो पॉजिटिव कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं पिछले 6 महीने में अगर हम बात करें 64% के रिटर्न्स अब यहाँ पर आपको नज़र आने लग गए हैं। यानी कि एक बेहतरीन जो अमाउंट के रिटर्न्स हैं वो पिछले 6 महीने में आपको यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या हुआ है कि ओवरऑल जो आज यहाँ पे वॉल्यूम आया है वो करीबन आया है 2 करोड़ के आसपास का। फ्राइडे के दिन अगर हम यहाँ पे देखें 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था, एवरेज अगर हम देखें 2 करोड़ का है, यानी कि जो वीक का एवरेज था उसके बराबर तो आज यहाँ पे आ गया, लेकिन मंथ का एवरेज जो है वो 5 करोड़ का है, क्योंकि एकदम से वॉल्यूम आया था, एकदम से मोमेंटम बना था, उसके बाद तेज़ी बनी थी, हर कोई इसमें बाइंग कर रहा था, उसके बाद से जैसे इसमें करेक्शन हुआ तो हर कोई इसमें पैनिक सिचुएशन में आ गया। और मैंने आपको पहली सजेशन दिया था कि इतना जब बड़ा मूवमेंट आया है तो इसमें करेक्शन आएगा भी, और वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो इसमें पोजिशन नहीं बना पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने पैनिक सेलिंग करी होगी तो वो आज यहाँ पे पछताते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली एक रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ जिसमें एक्सपेक्टेड नंबर बताए गए हैं। यहाँ पे देखो LIC बैक्ड मल्टीबैगर स्टॉक राइजेस 4% अहेड ऑफ द क्वार्टर फोर रिजल्ट्स टुडे। यानी कि जब इसमें 4% की तेजी थी तब ये न्यूज़ निकल के आई, ये रिपोर्ट निकल के आई। आप सभी को पता है कि इसमें LIC ने अच्छा खासा स्टेक उठाया हुआ है, वो मैं अभी आपको बता भी दूंगा कितना है। तो इसके बाद से जैसे कि आज यहाँ पे क्वार्टर फोर के नंबर्स हैं तो उसी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आज बड़ी रैली इसमें देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट जो RBNL के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस फ्लो भी आने वाले 3 से 4 साल बिना किसी इंटरप्शन के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चलते हुए नज़र आने वाला है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या हुआ है कि बताया गया है कि जो बुल्स हैं जो यहाँ पर तेज़ी देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो कॉन्टीन्यूसली बाइंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से जो शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं, जैसे अभी 121 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे 140 रुपये के तो डेफिनेटली बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ का नाम आपने सुना ही होगा, उनके रिसर्चर या फिर आप उनको वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हो, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो RBNL की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो आज क्वार्टर फोर के नंबर्स आने वाले हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और उसी की वजह से जो रैली है वो आज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें स्वास्तिका इंस्टामार्ट के टेक्निकल एनालिस्ट के बारे में, तो इन्होंने बोला है कि जो RBNL है उसके लिए ये जो साल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकुलर रहा है। और अगर आप देखोगे 40 रुपये से 144 रुपये का सफ़र इसने बहुत ही ज़्यादा ईजिली अचीव किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ब्रेकआउट लेवल्स थे 110 रुपये से 111 रुपये के लेवल्स है जहाँ पर आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो चीज़ें लग रही हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो एक बड़े लेवल्स को टच कर सकता है, कंसीडरिंग ये कि आप पैनिक सिचुएशन ना आए, क्योंकि इसमें आपको जो थोड़े बहुत करेक्शंस हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे। स्वास्तिका इंस्टामार्ट के एक्सपर्ट ने आगे बोला है कि यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंट लेवल के बारे में बात करें तो वो निकल के आता है 128 रुपये से लेके 130 रुपये का। 130 रुपये के ऊपर के लेवल पे अगर अब ये जाएगा तो शेयर बहुत ही ईजिली अच्छे खासे टारगेट जैसे कि 140 और इससे भी ऊपर के बहुत ही ईजिली अचीव कर लेगा। डाउनसाइड के बारे में बात करें, अगर इसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन आ जाता है तो मेजर सपोर्ट लेवल जो बनता है वो बनता है 110 रुपये का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखकर चलना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं कि जो LIC के बारे में बात की जाती है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो LIC का जो स्टेक है RBNL में वो करीबन 6.5% के आसपास का है। टू बी प्रेसाइज अगर हम देखें तो 6.38% का स्टेक जो है वो RBNL में LIC का नज़र आता है। टोटल अगर आप शेयर्स देखोगे तो वो करीबन 13 करोड़ के आसपास नज़र आते हैं, यानी कि 13 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि LIC का अच्छा खासा स्टेक है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और यहाँ से जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो पॉजिटिव ही होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वार्टर फोर के नंबर्स आ जाएंगे तो सारी चीज़ों की क्लैरिटी और मिल जाएगी, मैं वीडियो के थ्रू तो आपको बता ही दूंगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो IRFC में भी एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है आज के दिन, यानी कि कोई इतने सर्किट जैसा माहौल तो नहीं बना, लेकिन हाँ ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव माहौल जरूर बना है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो 5 करोड़ का वॉल्यूम है, जो कि फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो 6 करोड़ का वॉल्यूम था। एवरेज अगर आप देखोगे तो 6 करोड़ का है, मंथली एवरेज तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो IRFC में भी अगर RBNL यहाँ से पॉजिटिव माहौल आते रहता है तो डेफिनेटली IRFC भी एक पॉजिटिव माहौल की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो क्वार्टर फोर के नंबर्स थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव जरूर रही। लेकिन उसके बाद से अब यहाँ से अगर RBNL माहौल पॉजिटिव बनेगा तो डेफिनेटली इसमें भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब बाकी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वार्टर फोर के नंबर्स के बाद, वो देखेंगे कि आपको क्या कुछ उसमें देखने को मिला है, क्या डिविडेंड रहा है। बाकी जब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।